गांधे आश्रम यह गांधे आश्रम ये गांधे आश्रम अत माल सर देखिए आपके सामने सारा मंजर है। यहाँ तो करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ होगा और मेरे ख्याल में पहले तो तहकीकात होनी चाहिए कि कैसे हुआ ये सब कुछ। जो मुझे इम्प्रेशन मिलता है इन लोगों से बात करके, हुआ कैसे ये, क्योंकि रोज़ बरोज़ आग के वारदात होते हैं और रोज़ बरोज़ आग की शोलों में करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है। तो एक तो एडमिनिस्ट्रेशन से मैं कहूँगा, एक तो तहकीकात करें ये हुआ कैसे, इसकी बुनियाद क्या है, नंबर वन। नंबर टू, इमीडिएटली आके एसेस करें, ये उनकी ड्यूटी है, एसेस करें यहाँ ऑन स्पॉट आके, मेरे कहने पे नहीं, इनके कहने पे नहीं, यहाँ आके देख ले अपनी आँखों से कि कितना करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। इनका इमीडिएट रिलीफ और इनकी इमीडिएट रिहेबिलिटेशन ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, ये इनकी ड्यूटी है। तो इनकी ड्यूटी बनती है कि एज सून एज पॉसिबल वो आ जाएं, एसेस करें और इमीडिएटली रिलीफ और रिहेबिलिटेशन करें, ताकि ये करोड़ों रुपयों का जो नुकसान हुआ है इनको फिर से बसाएं, ताकि ये भी अपना रोजगार जो है उसी तरह कमा सके जैसे पहले कमा। सर, एनी वर्ड ऑफ जस्ट सिंपैथी फॉर द फायर विक्टिम? बिल्कुल 100%। देखिए, हमारी तरफ से ही नहीं, मेरी पाजी की तरफ से ही नहीं, महबूबा जी की तरफ से ही नहीं, पूरे कौम की तरफ से हमदर्दी है। और देखिए, कोई इसमें किसी की खता नहीं है, देखना चाहिए ये कैसे हुआ। और उसके बाद जितना पॉसिबल हो, गवर्नमेंट तो कुछ भी कर सकती है इमीडिएटली, मगर रिलीफ और रिहेबिलिटेशन जैसे मैंने आपको कहा, मगर इमीडिएटली, ताकि ये जो इतना बड़ा नुकसान हुआ, इतना बड़ा इनको झटका मिला, ताकि ये फिर से अपनी जिंदगी उसी तरह गुजार सके जैसे पहले गुजार। सर, ड्यूकॉम इज ट्यूरिंग टुडे, एनी सॉर्ट ऑफ अपील यू वांट टू मेक टू हिम एंड डीसी अनंतरा? नहीं, वो तो बड़ी अच्छी बात है, डिविजनल कमिश्नर आए, बल्कि कल ही आना चाहिए था। डिविजनल कमिश्नर आए, डीसी आए, देखे इन लोगों के, मेरी भी उनसे यही होगा कि देखे अपने आंखों से देख लीजिए, मगर इमीडिएटली इनका रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का इंतजाम करें, ताकि ये कल से परसों से जितना भी जल्दी पॉसिबल हो अपना फिर से अपनी ज़िंदगी गुजार सके जैसे ये गुजारते।